दोस्तों, अगर आपके भी फोन पे का बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा है, जब भी आप अपने फोन पे ऐप में बैलेंस चेक करते हो तो आपका कुछ ना कुछ मिस्टेक बता देता है या फॉल्ट बता देता है, मतलब आपका बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा है। इस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो तो आज का ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फोन पे ऐप को कैसे सुधार सकते हो, और अगर सुधार कर लोगे तो आपका बैलेंस आसानी से चेक हो जाया करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी मैं अपना फोन पे बैलेंस चेक करता हूं, यहां पे आपके सामने अनेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका बैलेंस नहीं बताएगा। और आपके भी साथ यही प्रॉब्लम हो रहा होगा, हमें पता है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आपको एक ऐसा सेटिंग करके बताने वाला हूं जिसे अगर आप कर लेते हो तो आपके फोन पे ऐप में बैलेंस चेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब गाइज, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा सेटिंग ऐप है, सेटिंग ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ऐप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फीचर देखने के लिए मिल जाएगा सेटिंग ऐप में। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्चिंग बार ऊपर मिल जाएगा तो सर्चिंग बार में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर जैसे ही आप लिखकर सर्च करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप मैनेजर का, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे सभी एप्लीकेशन आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब गाइज, आपको ध्यान देना ये है कि यहां पे आपको अपना फोन पे ऐप ढूंढना है, यहां पे अपना फोन पे ऐप ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस टाइप का। अब थोड़ा ध्यान से आप नीचे देखोगे तो यहां पे आपको स्टोरेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल सा आपको स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप स्टोरेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक क्लियर डाटा का और यहाँ पे एक क्लियर कैच का। तो क्लियर डाटा आपको नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा क्लियर कैच के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा गलती से भी मत करना, नहीं तो आपको दोबारा से फोन पे ऐप में अपना लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच जैसे ही आप कर दोगे उसके बाद आपका जो फोन पे ऐप रहेगा वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद जब कभी भी आप अपना फोन पे ऐप में बैलेंस चेक करोगे तो वो बहुत ही आसानी से बता देगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपना बैलेंस चेक करके आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपना यहाँ पे ऑटोमेटिक बैलेंस चेक कर लिया, जैसा कि जितना बैलेंस है पूरा का पूरा बता रहा है। तो ये थोड़ा सा सेटिंग करके आप भी अपने फोन पे ऐप को सुधार सकते हो, उसमें बैलेंस चेक कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो पे लाइक कर देना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है।